बायो फर्टिलाइजर्स यानी जैव उर्वरक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं यह जैव उर्वरक, किस प्रकार से इसे प्रयोग में लेना होता है, इसके प्रयोग से होने वाले फायदे और बायो फर्टिलाइजर्स के प्रयोग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यानी प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियाँ, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आखिर तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो मेरा नाम है मयूर और फार्मिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स यानी जैव उर्वरक क्या है। तो बायो फर्टिलाइजर्स को जीवाणु खाद भी कहा जाता है क्योंकि यह एक बैक्टीरियल कल्चर आधारित जीवाणु खाद है जिसमें सूक्ष्म मित्र जीवाणु मौजूद होते हैं। फसलों में बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करने से इसके जीवाणु वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को खींचकर पौधों को एमोनिया के रूप में उपलब्ध करवाते रहते हैं और मिट्टी में पहले से फिक्स पड़े अघुलनशील फॉस्फरस या अन्य पोषक तत्वों को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। यह बायो फर्टिलाइजर्स नेचुरल प्राकृतिक है इसलिए इनके प्रयोग से मिट्टी में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है और यह किसी भी जीव या मनुष्यों के लिए किसी भी रूप से हानिकारक नहीं है। आज के युग में रासायनिक खाद के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी के साथ साथ जलवायु भी प्रदूषित होते जा रहे हैं, मिट्टी बंजर बनती जा रही है। ऐसी स्थिति में यह बायो फर्टिलाइजर्स मिट्टी में नई जान फूंक सकते हैं। रासायनिक खादों के प्रभाव को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने ऐसे मित्र जीवाणुओं को पहचान कर विभिन्न प्रकार के बायो फर्टिलाइजर्स तैयार किए जो जैविक प्राकृतिक खेती के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कि यह जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं। सो सबसे पहले बात करेंगे राइजोबियम की। तो राइजोबियम कल्चर को खासकर सभी प्रकार की तिलहनी और दलहनी फसलों में प्रयोग में लिया जा सकता है। यह जैव उर्वरक तिलहनी व दलहनी फसलों की जड़ों के साथ सहजीवी के रूप में रहकर पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। राइजोबियम को बुवाई के समय बीजों के साथ मिला देने से यह जीवाणु पौधों की जड़ों में प्रवेश कर छोटी छोटी गांठें बना लेते हैं। इन गांठों में यह राइजोबियम जीवाणु बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं जो वायुमंडल में स्थित मुक्त नाइट्रोजन को खींचकर उसे पोषक तत्वों में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध करवाते रहते हैं। पौधों में जितनी ज़्यादा मात्रा में राइजोबियम की गांठें होगी पौधा उतना ही स्वस्थ होता है जिसके प्रयोग से नाइट्रोजन युक्त खाद की कमी भी पूरी हो जाती है और उपज में भी वृद्धि देखने को मिलती है। राइजोबियम का उपयोग खासकर चना, मूंग, उड़द, अरहर, मटर, सोयाबीन, मसूर, मूंगफली जैसी फसलों में किया जाता है। अब आता है एजोटोबैक्टर। यह एजोटोबैक्टर जीवाणु मिट्टी और जड़ों की सतह में मुक्त रूप से रहता है यानी यह राइजोबियम की तरह गांठे नहीं बनाता बल्कि मुक्त रूप से अपनी वृद्धि करता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींचकर पोषक तत्वों में परिवर्तित करके पौधों को उपलब्ध कराता रहता है। यह एजोटोबैक्टर दलहनी फसलों को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की फसलों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अब आता है एसिटोबैक्टर। यह जीवाणु खासकर गन्ने की फसल में नाइट्रोजन स्थिर करने के लिए उपयोगी है। यह एसिटोबैक्टर फसलों की जड़ों के आसपास फैल जाते हैं और भूमि की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके पौधों को उपलब्ध कराते रहते हैं। अब बात करेंगे एजोस्पिरिलियम की। यह एसिटोबैक्टर जैव उर्वरक से काफ़ी मिलता जुलता है। एजोस्पिरिलियम का प्रयोग गर्म स्थानों पर उगाई जाने वाली फसलों के लिए खासकर किया जाता है। यह भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके पौधों को उपलब्ध करवाता है। यह जैव उर्वरक मक्का, जौ, ज्वार और चारे वाली जो फसलें हैं उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। उसके प्रयोग से फसल उत्पादन 20% तक बढ़ जाता है। अब बात करेंगे नीलहरित शैवाल। यह एक प्रकाश संश्लेषीय सूक्ष्म जीव होता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। इस नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। धान यानी चावल के लिए यह नीलहरित शैवाल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। धान की फसल के लिए यह नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों का भंडार है और यह मिट्टी की क्षारीयता को भी कम करने में मदद करता है। अब आता है एजोला। यह मुख्य रूप से तालाबों या झीलों में पानी की सतह के ऊपर तैरता रहता है। यह भी नाइट्रोजन का भंडार है और धान की फसल के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। यह तो हुई नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणुओं की बात।
अब आता है फॉस्फोरस विलायक जीवाणु यानी PSB। यह जीवाणु कल्चर मिट्टी के अंदर फिक्स पड़े अघुलनशील फॉस्फोरस को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित करके पौधों को उपलब्ध करवाता है। इस जीवाणु कल्चर यानी PSB का प्रयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जाता है। यह फसलों में फॉस्फोरस की कमी को पूरा करता है। यह तो हुआ सारे जैव उर्वरकों का परिचय। अब देखते हैं कि इनका प्रयोग किन किन विधियों से किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी उपचार यानी भूमि शोधन विधि। तो एक एकड़ भूमि शोधन के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बायो फर्टिलाइजर्स को 50 से 100 किलो गोबर खाद में अच्छे से मिला देना चाहिए और बाद में उस मिश्रण को खेत में अच्छे से फैला देना चाहिए। बीज उपचार के लिए यह बीज उपचार विधि बायो फर्टिलाइजर्स के प्रयोग की सबसे अच्छी और आसान विधि है। बीज उपचार के लिए जैव उर्वरकों की 10 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से लेनी होती है। थोड़े से पानी में जैव उर्वरकों को अच्छे से मिलाकर घोल बना लें। जीवाणुओं की कार्यक्षमता को इस घोल में आप थोड़ा सा गुड़ भी मिला सकते हो और बाद में इस घोल को बीजों के ऊपर डालकर अच्छे से बीजों के ऊपर इसकी परत बना लें। बाद में बीजों को छायादार स्थान पर सुखा लें और अच्छे से सूख जाने पर तुरंत ही बीजों की बुवाई कर दें। इसका प्रयोग कंद उपचार के लिए भी किया जा सकता है। तो गन्ना आलू अदरक जैसी फसलों में कंद उपचार विधि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। कंद उपचार के लिए एजोटोबैक्टर और PSB कल्चर की 1-1 किलोग्राम मात्रा 50 से 100 लीटर पानी में मिलाकर घोल बना लें। बाद में कंद को 15 से 20 मिनट के लिए उस घोल में डुबोकर रखें और फिर निकालकर तुरंत ही उस कंद की रोपाई कर दें। पौध की जड़ उपचार विधि। जिन फसलों के पौधे पहले नर्सरी में तैयार करके बाद में उसे खेत में रीप्लांट किया जाता है, ऐसे पौधों को जड़ों को जैव उर्वरकों से उपचारित भी कर सकते हैं। तो जड़ उपचार के लिए 100 ग्राम जैव उर्वरक कल्चर प्रति लीटर पानी के दर से प्रयोग कर सकते हैं। एक बर्तन में जरूरियात के हिसाब से पानी में जैव उर्वरकों को घोल बनाकर इस घोल में नर्सरी से निकाले गए पौधों की जड़ों को 15 से 20 मिनट के लिए डुबोकर रखें और बाद में निकालकर तुरंत ही उसकी रोपाई कर दें। बायो फर्टिलाइजर्स की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के लिए जरूरियात के हिसाब से पानी में घोलकर उसे सिंचाई के पानी के साथ भी खेत में बहा सकते हो। अगर ड्रिप इरिगेशन अवेलेबल हो तो उसके जरिए भी इसे खेत में छोड़ सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स को पानी में घोलकर उसे डायरेक्ट पौधों की जड़ों के पास भी ड्रिंचिंग के रूप में दे सकते हैं। अब बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स के प्रयोग से होने वाले फायदों की। तो जैव उर्वरक जमीन की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है। इसके प्रयोग से बीजों में अंकुरण जल्दी से होता है और पौधों में फुटाव भी ज्यादा होता है। इसके प्रयोग से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस युक्त खादों की लगभग 15 से 25% तक की आपूर्ति भी हो जाती है, जिससे लागत खर्च में भी कमी आती है। प्रयोग से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस में वृद्धि होती है, जिससे मिट्टी की भौतिक और रासायनिक दशा में भी सुधार होता है। इनके प्रयोग से फसलों में उत्पादन 10 से 15% तक का बढ़ जाता है। और अब आखिर में बात करेंगे कि बायो फर्टिलाइजर्स के प्रयोग में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो जैव उर्वरक परचेस करते समय ध्यान रखिए कि वो प्रमाणित संस्था या कंपनी से ही हो और उस पर छपी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। जैव उर्वरकों को एक्सपायरी डेट के बाद प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे कोई भी ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। बायो फर्टिलाइजर्स को हमेशा ठंडे और छायादार स्थान पर ही रखें। फसलों के अनुसार जैव उर्वरकों का सही चुनाव करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि गन्ने के लिए आपने राइजोबियम ले लिया। इससे कोई भी नुकसान तो नहीं है, लेकिन प्रमाणित किए गए माप से ही जैव उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग की विधि यानी बीज उपचार, कंद उपचार वगैरह छायादार स्थान पर ही करें, मतलब कल्चर को डायरेक्ट धूप से बचाए रखें। इस प्रकार से आप जैव उर्वरकों का प्रयोग करके भूमि, पानी, पर्यावरण के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी बचा सकते हो और कम लागत खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उपज भी प्राप्त की जा सकती है।
तो यही थी संपूर्ण जानकारी बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय किसान, जय हिंद।